हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म आज है दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर थर्ड दो टेस्ट कर चुके थे पचास क्वेश्चन हम लोग कम्प्लीट कर लिए थे आज फिर पच्चीस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास वैसे ही करना है जैसे आप फर्स्ट और सेकेंड में करते आ रहे हैं कैसे आपको करना है फर्स्ट सेकेंड में आपको पता ही होगा वैसे ही आपको लिखते जाना है दस सेकेंड का टाइम दूंगा इसमें भी चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन एक दुकानदार एक पुस्तक को उसके मुद्रित मूल्य पर 10 परसेंट छूट देकर बेचता है छूट देकर मतलब यहाँ पे डिस्काउंट देता है 10 परसेंट मान लीजिए आप देखते रहते हैं कि एम लिखा रहता है एम ठीक है ये लिखा रहता है इस पर आपको दस का छूट दे देता है पर बारह परसेंट लाभ प्राप्त कर लेता है तदनुसार उस पुस्तक की लागत मूल्य या मुद्रित मूल्य का अनुपात कितना है लागत मूल्य मतलब जो उसका रियल वैल्यू है वो कितना है और जो मुद्रित मूल्य एम है उसका रेशियो कितना है ठीक है आपको दोनों ज्ञात करना है बहुत ईजी क्वेश्चन है टाइम स्टार्ट नाउ दस सेकेंड के टाइम हैदम ईजी क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का देखेंगे तो उसमें सही आ हो गया होगा टाइम आप दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 20 परसेंट अधिक अंकित करता है मान लीजिए अगर माल की कीमत दोस्तों दस सौ रुप, रुपया है तो 20 परसेंट अधिक मतलब एक सौ बीस रुपया उस माल की कीमत क्या करता है अंकित कर देता है और उस पर पंद्रह परसेंट की छूट देता है किस पे सौ रुपये पर नहीं एक सौ बीस रुपये पर पंद्रह परसेंट की छूट दे देता है तदा लाभ प्रतिशत कितना होगा अब तो एक समझ में आ गया कि उसका अंकित माल की कीमत रियल कीमत इतना है अंकित मूल्य इतना है और उस पंद्रह परसेंट क्या करता है दोस्तों उस पर छूट दे देता है तो उसका लाभ क्या होगा ये तरीका है सब समझा दिए कैसे होगा तो टाइम स्टार्ट ना दस सेकेंड का टाइम है टाइम अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फिफ्टी थ्री आपके सामने है अब इस हम टाइम नहीं देंगे क्वेश्चन बताते चले जा रहे हैं लास्ट में आपको आंसर बता देंगे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा लास्ट में आंसर आप दे दिएगा वीडियो पोस्ट करके ठीक है क्योंकि थोड़ा बारिश हो रहा है यार क्या आंशिक रूप से पानी से भरे एक लंब वृत्ति वेलनकार बर्तन में छः सेंटीमीटर ब्यास के एक गोले को डुबोया गया ठीक है उस बेलनकार बर्तन का ब्यास बारह सेंटीमीटर है ठीक है ब्यास पूछ रहा है बारह सेंटीमीटर तीजियार हो जाएगा दोस्तों क्या छः सेंटीमीटर ठीक है इतना दिक्कत नहीं तदानुसार यदि वह गोले पूरा तरह डूब जाए तो उस विलनकार बर्तन का पानी कितना ऊंचा बढ़ जाएगा ठीक है विलनकार बर्तन में छः सेंटीमीटर ब्याज के गोले को डुबोया गया है इसका भी त्रिज्या तीन सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को डुबोया गया है और कह रहा वर्तन का ब्यास है विलनकार बर्तन का ब्याज दोस्तों बारह सेंटीमीटर है तो कह रहा है ही कि पानी कितना ऊपर बढ़ जाएगा यही क्वेश्चन है क्वेश्चन समझ में आ गया ना नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कल से टाइमिंग आपको दूंगा थोड़ा बारिश का मौसम इधर बहुत तेज हो रहा है इसलिए क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा घर पर फिफ्टी फोर क्वेश्चन फिफ्टी फोर एक लंबी रीति वेलन के आधार का परिमाप एक एक तद अनुसार यदि उस वेलन का आयतन भी घन एकक हो तो वेलन की ऊंचाई कितनी होगी लंबी तथ्युवीरण के आधार की बात कर दिया परिमाप दे दिया आधार का परिमाप बहुत ईजी है सब फार्मूले पीस का होता है मैंसुलेशन का क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है कर लेंगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसका लास्ट में मैंसर बताएंगे जैसे जैसे हम कहें वैसे वैसे, वैसे वैसे आप करते जाइएगा अगर क्लास नहीं देखे होंगे सेकेंड वाला फर्स्ट वाला देखिए उसमें पता चल जाएगा कैसे हम किसको सॉल्व करना है ठीक है सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन है उसका आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को वीडियो पूछ करके ये कि कितना आंसर आ रहा है मान लीजिए आपका आंसर ए आ रहा है लिख दीजिए फिफ्टी टू का आंसर बी आ रहा है आप लिख दीजिए ठीक है ऐसे लिख दीजिए और लास्ट में वीडियो के अंत में दोस्तों जब मैं क्वेश्चन बताऊँगा आंसर जब बताऊँगा तब आप मिलान कीजिएगा कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं समझ में आया ना ऐसे आपको सॉल्व करना है देखिए कह रहा है कि एक वृत्त के परिमाप तथा ब्यास का अंतर से एकक है तथा अंतर उसी वृत्त का व्यास कितना होगा बहुत ही जी है परिमाप और व्यास का अंतर आप ज्ञात कर लेंगे वृत्त का व्यास क्या होता है वृत्त का परिमाप क्या होता है ठीक है उनका अंतर आप ज्ञात कर लेंगे इक्वल लिखवा देंगे बीस का व्यास क्या होगा यहाँ से अभ्यास की क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे ठीक तो है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ए तथा बी एक कार्य बारह दिन में कर सकते हैं वही कार्य बी तथा सी पंद्रह दिन में और सी तथा ए e बीस दिन में कर सकते हैं तदानुसार ए अकेले वही कार्य कितने दिनों में कर सकता है वर्क का है बहुत ईजी है इसका मैं क्लास लिया था आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था नहीं समझ में आएगा डेली कराता हूँ जो क्वेश्चन समझ में ना आए कमेंट कर दिया उस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने तीन पुरुष या पांच स्त्री एक कार्य को बारह दिन में पूरा कर सकते हैं तदनुसार छः पुरुष तथा पांच स्त्री को वही कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा ये भी इजी है इस पर भी क्वेश्चन दोनों पे क्वेश्चन बना चुका हूँ और देखिए जितना मैं दो मार्क्स टेस्ट करा चुका पहले वाले में दोस्तों और सेकेंड वाले थर्ड वाले सब में वही क्वेश्चन मिला जो मैं आपको क्लास में करा चुका हूँ नहीं देखे क्लास को जाके देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन राम तथा श्याम एक कार्य बारह दिन में श्याम तथा हरि पंद्रह दिन में हरि तथा राम बीस दिन में कर सकते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे बहुत ईजी क्वेश्चन इसको सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए वर्क एंड डिस्टेंस का सॉरी वर्क एंड टाइम का क्लास में बहुत ही अच्छे से आपको कराया था फिफ्टी नाइन चार अंकों की वह वर्ग सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्णता वर्ग भी है ठीक है पूरे वर्ग भी है सॉरी चार अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है जो पूरे वर्ग भी है इसको भी आपको मैं बताया था नंबर सिस्टम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू फोर जीरो वन डबल जीरो डबल जीरो का चतुर्थक मूल्य कितना होगा यह भी इजी क्वेश्चन है सिक्सटी वन एक वस्तु का सूचीबद्ध मूल्य क्या है दोस्तों एक सौ साठ रुपया और एक ग्राहक उस पर दो क्रमिक छूटें प्रदान करके एक सौ बाईस रुपये चालीस पैसे में खरीदता है तदनुसार यदि पहली छूट दस परसेंट की हो तो दूसरी छूट कितनी होगी पहली छूट दिया दोस्तों दस परसेंट इसकी दूसरी छूट क्या है वही आपको ज्ञात करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का दस परसेंट लड़कों की संख्या के वन अपन बीस के बराबर है मान लीजिए लड़कियों की संख्या यक्स है अगर उसका दस परसेंट दोस्तों दस परसेंट लड़कों की संख्या के मान लीजिए लड़कियों की संख्या वाई के वन अपन क्या है बीस के बराबर है तदा अनुसार लड़कों लड़कियों के अनुपात ज्ञात होगा यहाँ से डायरेक्ट अब ज्ञात कर लेंगे टू तो यक्स अपन वाई बराबर हो जाएगा क्या इसको आप पहचानता करके ज्ञात कर लें टू सही वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव पे पावर टू पॉइंट फाइव रेशियो फाइव पे पावर थ्री का अनुपात में से किसके समान होगा ये भी जी है इसको कैसे करना है फाइव पे पावर टू पे पावर 2.5 टू पॉइंट फाइव कर लीजिए ठीक है और यहाँ फाइव पे थ्री है इसको अपन कर दीजिए फाइव पे थ्री ये हो जाएगा फाइव फाइव पे फाइव फाइव पे थ्री जाएगा तो फाइव पे टू फाइव पे टू और फाइव पे टू हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा वन देखिएगा फाइव पे टू वन डी आपका एंसर्स नहीं हो जाएगा ठीक है सिक्सटी फोर देख लीजिए यदि ए बी सी डी ई e, पाँच क्रमिक विषम संख्या हो तो उसका औसत कितना होगा ए बी जी तो कर लीजिएगा क्या होगा इसको मैं आपको बताऊंगा अगर नहीं समझ में आएगा तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बीस संख्या का औसत पंद्रह है और उससे प्रथम पाँच का बारह है तथा शेष संख्याओं का औसत बीस का औसत आपको दे दिया है पंद्रह इनका गुणनफल ज्ञात कर लीजिए पाँच का प्रथम पाँच का बारह दे दिया है तो प्रथम पाँच का बारह ज्ञात कर लीजिए जो आएगा उसमें से माइनस करके और बीस में से पाँच माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका कितना दोस्तों पंद्रह पंद्रह से उसमें डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शेष संख्याओं का औसत कितना है ठीक है बीस का जैसे पंद्रह दू ना तीस तीन सौ हो जाएगा और कह रहा है कि प्रथम पाँच का बारह है तो बारह पच्चीस साठ हो जाएगा पाँच का माइनस जब इसको करेंगे तो दो सौ चालीस हो जाएगा बचा क्या पंद्रह सोलह आपका आंसर है ठीक है ए आपका आंसर क्या है दोस्तों सही है समझ में आ गया कैसे हुआ है पहले बीस संख्या ज्ञात कर लीजिए उसके बाद प्रथम पाँच का ज्ञात कर लीजिए बीस तदानुसार शेष संख्याओं का औसत कितना होगा क्लियर देखिएगा सिक्सटी सिक्स क्या कह रहा है आठ बल्टी और पाँच मग की कुल लागत बानवे है तथा पाँच बल्टी और आठ मग की कुल लागत सतहत्तर है तदानुसार दो मग और तीन बल्टी की लागत क्या आगे इसको भी मैं बहुत ही अच्छा तरीका तीर के द्वारा आपको समझाया था कैसे इस क्वेश्चन को तिर के द्वारा सॉल्व करते हैं आप क्लास देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी सेवन यदि एक धनराशि पे दो वर्षों का बारह परसेंट वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों दो हज़ार पाँच सौ चौवालीस हो तो उसी दर पर दो वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा ये भी बहुत अच्छे से चक्रवृद्धि ब्याज मैं आपको तो सी आई भी बताया था कि सी आई अगर दे दिया हो तो ईसाई हम कैसे ज्ञात करते हैं शॉर्टकट ट्रिक में इसको बताया था अगर आपको पसंद समझ में क्लास देखेंगे तो आ जाएगा ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है आपके लिए ठीक है जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनके लिए हार्ड क्वेश्चन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन इसको छोड़ दीजिए एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की वन अपान फिफ्टीन रेल से तथा करता है रेल से पूरा करता है और टू अपॉन ट्वेंटी बस से करता है ठीक है शेष दस किलोमीटर पैदल चलता है तथा कुल यात्रा कितने किलोमीटर की है एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की मान लीजिए कुल यात्रा है एक का टू अपॉन फिफ्टीन क्या करता है रेल से और यक्स का एक वस्तु का मूल्य पहले बीस परसेंट घटा के तीस परसेंट बढ़ा दिया गया है पर यथा यदि मूल्य चार सौ सोलह हो जाए तो उस वस्तु का मूल्य क्या होगा इसके लिए मैट्रिक बताया था कि x प्लस माइनस वाई या पान एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई कब होता है ठीक है इसको कैसे सॉल्व करते हैं क्लास आप देखे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस का तो वहाँ आप पर आपको पता चल जाएगा कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एक व्यक्ति ने एक वस्तु बीस परसेंट हान पर बेची यदि उसने उसका विक्रय मूल्य दस सौ सौ बढ़ा दिया तो उसे पाँच परसेंट लाभ मिला तद अनुनस उस वस्तु का लागत तो मूल्य कितना था व्यापारी एक वस्तु को बीस परसेंट के पर बेचता है मान लीजिए कोई वस्तु का एक मूल्य है उससे बीस परसेंट हान पर बेचता है क्या करता है लॉस पे उसको क्या करता है सेल करता है यदि उसने उसका विक्रय मूल्य सौ रुपये बढ़ा दिया सौ रुपये अगर उसका विक्रय मूल्य बढ़ा दिया तो होता तो उसे पाँच परसेंट लाभ मिलता ठीक है तो लागत मूल्य क्या थी उसकी जो बनाने की जो वैल्यू थी कॉस्ट जो उसकी लागत मूल्य जो रियल वैल्यू उसकी थी वो क्या थी आपको पूछ रहा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अपन वन माइनस बी माइनस बी प्लस सी यान वन माइनस सी बराबर हो तो अपन ए वन अपन वन माइनस ए प्लस वन अपन वन माइनस बी प्लस वन अपन सी के मान क्या होगा देखिए दोस्तों यहाँ पे वही सेम वैल्यू दिया है इसमें तो आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है सेम वैल्यू दिया है और सेम वैल्यू का मान आपको क्या कह रहा है पूछ रहा है कहीं चेंजिंग वेंजिंग नहीं किया है लेकिन यहाँ पे ए बी और सी दिया है और यहाँ पे देखिएगा वन 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 दिया है यहीं से आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी इसका आंसर क्या होगा? आप सॉल्व करके बताइए, कमेंट करके नेक्स्ट देखिएगा सेवेंटी थ्री क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एक्स माइनस थ्री पी स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव पी स्क्वायर प्लस जेड माइनस फोर पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस जेड स्क्वायर प्लस सिक्सटीन का मान क्या होगा ठीक है ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है इसको आप तोड़ के सॉल्व करके इनका ए प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे वह ए माइनस बी का स्क्वायर करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन यदि फोर एक्स अपन थ्री प्लस टू पी इक्वल टू ट्वेल्व हो तो एक्स इक्वल सिक्स की स्थिति में पी की वैल्यू क्या होगी x बराबर सिक्स रख के यहाँ पे पी की वैल्यू निकाल देंगे तो ये हो जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे फोर एक्स प्लस थ्री को ती हो जाएगा एट और प्लस टू पी इक्वल ट्वेल्व इधर करेंगे तो टू पी इक्वल हो जाएगा फोर तो पी इक्वल आ जाएगा आपका टू ठीक है पी इक्वल जो आपकी वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी आपकी टू और इतने का वैल्यू क्या होगा पूछ रहा है तो इसका आप पछांतर करेंगे नहीं इसका कंगजीर से गुणा गुणा कर देंगे जैसे इसका माइनस है तो सेवन माइनस फोर अंडर थ्री से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे की वैल्यू आपकी आ जाएगी दोस्तों कट कटपीट के जीरो या वन और यहाँ से आप इसका मान ज्ञात कर गए करें होप कर क्लास आपको अच्छा लगा होगा और हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ तो आंसर देखिएगा आपका आंसर आपके सामने है तो आंसर आप अपना मिला लीजिए फिफ्टी वन का ए फिफ्टी टू का सी और फिफ्टी थ्री का बी फिफ्टी फोर का डी फिफ्टी फाइव का ए फिफ्टी सिक्स का सी फिफ्टी सेवन का ए, फिफ्टी एट का ए, फिफ्टी नाइन का सी सिक्सटी का डी सिक्सटी वन का डी सिक्सटी टू का बी, सिक्सटी थ्री का डी सिक्सटी फोर का डी सिक्सटी फाइव का ए, सिक्सटी सिक्स का ए, सिक्सटी सेवन का ए, सिक्सटी एट का डी सिक्सटी नाइन का बी, सेवेंटी का सी सेवेंटी वन का सी सेवेंटी टू का सी सेवेंटी थ्री का सी सेवेंटी फोर का सी और सेवेंटी फाइव का है ये आपका आंसर है तो यही हो क्लास अच्छा लगा क्लास अच्छा वा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर वीडियो पहली बार देखा सब्सक्राइब करके प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर, कर लीजिएगा कैसे मजा क्लासेज आपको मिलते रहे और कभी मिस ना हो तब के लिए जय हिंद दोस्तों बंदे मात्र मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत